अरे कौन से गाने बजने चालू हो गए? लो बाबा इस पे नाचो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मिल रहे हैं मेरे बड़े से DSLR के बड़े से लेंस के थ्रू। इसमें इतना इजी है टू लुक एट द लेंस, बिकॉज फोन का लेंस तो इतना चिया सा है, उसमें ढूंढना पड़ता है मेरे को कि मैं किधर दिखूं एग्जैक्टली। पता चला भैंगा दिख रहा हूँ। अबुंदला काका। नहीं तो आज जो है हमारे बहुत सारे काम है ऑफ कोर्स अगेन, और शाम को मेरी 5 से 7 क्लास भी है, और अभी जो द वर्क एट हैंड इज गेटिंग रिड ऑफ दिस टीका। मतलब मैं एकदम इंडस्ट्रियल लेवल का थिनर और सारी चीजें लेकर आया हूँ, घिस घिस के देखता हूँ कितना निकल पाता है। और आपको ये बात याद रखनी है कि इस व्लॉग को आप एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, बिकॉज आपको मुझे ये बताना है कि क्या ये क्वालिटी, इज दिस क्वालिटी बेटर देन व्हाट आई हैड बिफोर। इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा, मुझे ये नहीं पता कि कुछ फर्क पड़ा भी है कि नहीं पड़ा है, वो बिफोर एंड आफ्टर देखना पड़ेगा मुझे। खैर आज सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज हीरो का है बर्थडे, तो चलिए बर्थडे बॉय से मिलते हैं। ये रहे बर्थडे बॉय हीरो। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज हीरो का जन्मदिन, आज हीरो 10 साल के हो गए। हीरो के आज गेस्ट कितने हैं अभी तो? आज बहुत सारे गेस्ट हैं। कालू है, नीबो है, ब्राउनी है, गब्बर है। हीरो ने पूजा की थी, कैसे किया था? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे बाप रे, बाके बिहारी लाल की जय। ओहो बड़ा मामा, आप क्या कर रहे हो? मैं प्लांट में खाद डाल रहा हूँ। एंड व्हाट इज दिस खाद मेड अप ऑफ? कंपोस्ट। कंपोस्ट होता है ना? ये तो टट्टी है। हाँ ठीक है, कंपोस्ट उसी का गुड टर्म। यस, अ सेफ टर्म टू यूज। करेक्ट। तो आज मुझे नाश्ते में मिला है बेदमी पूड़ी, बड़ी अच्छी, वेरी टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी। और सीताफल की सब्जी, जो मेरा बहुत फेवरेट कॉम्बिनेशन है ये, बेदमी पूड़ी और सीताफल की सब्जी। बस सुबह नहीं हो पाता मेरे से। सुबह तो आपको पता ही है मैं क्या खाता हूँ, ठंडा दूध और कॉर्नफ्लेक्स चौकोस। और जब भी ये होता है आई डोंट फील सो गुड आफ्टर ईटिंग इट, बट पापी पेट का सवाल है। तो ये जब बना था तो मामा ने कहा कि एकदम साधना ने आज एक नंबर सब्जी बनाई है, एक नंबर पूड़ी बनाई है। मैंने कहा हाँ, ये एक नंबर पूड़ी और एक नंबर सब्जी खा के 2 नंबर लग जाता है तुरंत। चलो टू मेनी पॉटी जोक्स सिंस मॉर्निंग। चलो मैं कार। तो मैं और मामा अब निकले हैं शीरो के लिए कुछ लेने के लिए, एंड देखते हैं उसका रात की सेलिब्रेशन के लिए हम लोग क्या क्या अरेंज कर सकते हैं। उसके लिए छोटा मोटा कुछ गिफ्ट भी खरीदना है हम लोग को। तो मैंने अभी मामा को बोला स्कूटी से चलना की गाड़ी से। तो मेरा जो हेलमेट है एक्चुअली वो रजनी के सर पे तो बहुत अच्छा फिट होता है, मेरा वाला मेरे पे ठीक है, पर रजनी वाला मामा को फिट नहीं होता। मामा आधा फंसा के उसको घूमते हैं। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल अ फुल DSLR कैमरा, मुझे को आदत भी नहीं है चूँकि। तो मैं फिलहाल अपना फ़ोन लेके ही चल रहा हूँ। तो हमने बहुत सारा शीरो का सामान ले लिया है। ये हाँ, दीज आर इज जरा सलामी, ये स्ट्रॉबेरी, दीज आर स्ट्रिप्स दैट ही लाइक, और दीज आर इज कुकीज। कुकीज़ बहुत शौक से खाता है। तो ये एक रेड है, और रेड रेड वाले के साथ जो रेड टी शर्ट है हमारी उसके साथ एक रेड स्कार्फ है मैचिंग का। और ये इनका आज का है, दिस इज ग्रे टी शर्ट एंड उसके साथ ये ग्रे मैचिंग, हाँ ये मैचिंग टाई। अले बाप ले, टाई देखो, टाई पे ज्यादा गौर फरमाया जाए जरा, टाई पे। शीरो बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, अपने बर्थडे के दिन भी वो काम करते हैं। शीरो जल्दी से लंच कर लो, फिर तुम्हारी बिजनेस मीटिंग है, ठीक है? टाई भाई अच्छे से बांध लेना। I'm not even gonna explain, but I'm gonna get it right. 1, 2, and 3. Oh!
तो हम हो गए हैं क्लास के लिए रेडी, बस चाय का इंतजार है। चाय जैसी आती है हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। Two hours later. So we are celebrating Shiro's birthday. Yay! ये फोटो होगा शिरो। और तुम्हारे साथ कैसे होगा भाई? आप शिरो पापा के साथ फोटो खींचने जा रहे, ठीक है ना? चलो सिंस लॉकडाउन स्टार्टेड पहले के कुछ मंथ्स हम लोग यही सोच रहे थे कि कैसे सब कुछ मैनेज होगा, बट देन धीरे धीरे ऑल दिस थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग ऑनलाइन एंड सब कुछ पॉसिबल हो गया। ऑल द कंपनीज जैसे गूगल है एंड जूम है, ऑल दीज पीपल, इन्होंने इतनी मेहनत करके दे हैव क्रिएटेड सच अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर अस नाउ टू टीच टू एजुकेट पीपल। सो इन 15 मिनट्स आई विल बी वेबकास्टिंग सफरनामाज थर्ड एपिसोड, जो कि बहुत पहले रिकॉर्ड हो चुका था, एडिट होके आ चुका है, एंड इट्स अ फिनिश प्रोडक्ट, फाइन प्रोडक्ट, जिसमें साउंड वीडियो का कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल आई हैव टू डू इज अ प्रेस ऑफ बटन, मतलब मैंने एक बटन दबाया एंड वो फेसबुक पे लाइव हो जाएगा। एंड इट्स सो कन्वीनियंट नाउ बिकॉज इस तरीके से आप किसी भी तरह के गूफ अप्स या कोई भी ऐसे मिसहैप है जो जनरली ऑनलाइन में कभी कभी हो जाता है, बैकग्राउंड नॉइज व्हाटएवर, आप ये सब चीज़ों को आप ओमिट कर देते हो। सो इट्स सच अ ग्रेट एडवांटेज फॉर पीपल लाइक अस, मतलब मैं आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि आप इतनी सारी चीज़ों को आप सामने रख सकते हो एंड ऑल द प्लेटफॉर्म्स आर प्रोवाइडिंग ग्रेट गेटवेज कि आपका कंटेंट जो है वो लोगों तक पहुँचे। सो 14 मिनट्स नाउ एंड इट्स अ गो फॉर सफरनामा एपिसोड 3। स्टार्ट स्ट्रीमिंग, गो एक्टिवेट हो जाएगा, गो लाइव, प्रेस गो लाइव एंड हम यहां से अपने शो को स्टार्ट करेंगे एंड इट्स डन, इट्स ऑन। सो विद द प्रेस ऑफ अ बटन सफरनामा का तीसरा एपिसोड खत्म हुआ। आज के हमारे गेस्ट पंडित भजन सोपोरी जी थे, जिन्होंने बहुत बहुत सुंदर बातें अपने साज के बारे में बताई और अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताई। वैसे तो इस ब्लॉग में मैंने थोड़े से मिक्स डिवाइसेस यूज़ किए हैं, मोस्ट ऑफ इट इज़ दिस कैमरा जिसमें मैं अभी बात कर रहा हूँ, विच इज़ माई DSLR, और थोड़े थोड़े कहीं ऑफकोर्स बाहर मैं इतना बड़ा DSLR लेके अभी नहीं घूम सकता, मुझे आदत ही नहीं है। बट आप लोग बताइए कि आप लोग को कौन सा फुटेज ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें मिक्स था एंड आई थिंक यू कैन मेक आउट, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर फोन यूज हुआ था और यहाँ पे कैमरा यूज हुआ था। एंड विद दैट वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर व्लॉग टुडे। आई होप यू रियली एंजॉयड इट एंड इफ यू डिड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हियर गोज ऑफ द लाइट।